दोस्तों, ओरल कैंसर यानी कि मुंह में होने वाला कैंसर, इसकी स्टार्टिंग तंबाकू के इस्तेमाल और स्मोकिंग से होती है। जनरली ओरल कैंसर मुंह, नाक, कान, गले के साथ थायराइड तक जोड़ा जाता है। इसकी शुरुआत में मुंह में छाले और मुंह में नॉर्मल पेन होने लगता है। पहले यह बीमारी पुरुषों में ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल के चलते यह बीमारी महिलाओं में भी कॉमन हो गई है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी जानकारी पहली स्टेज पर पता ना होने पर यह बाद में बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले लेती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल कुछ ऐसे आयुर्वेदिक इलाज और जड़ी बूटी आ गई हैं, जिनका यूज अगर आप आज से ही अपनी लाइफ में शुरू कर दें तो यह बीमारी आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओरल कैंसर को खत्म करने वाले 5 आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ, वो 5 आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिनकी हेल्प से आप इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला और इफेक्टिव पॉइंट है वो है लेमन हनी वाटर। नींबू विटामिन सी और अदर न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, जो ओरल कैंसर से बचाने में सहायक होता है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन सी को जरूर शामिल करें। इसके अलावा नींबू एंटीऑक्सीडेंट और जहरीले पदार्थ के कांटेक्ट में आने से नए कोशिकाओं या गैर कैंसर कोशिकाओं को बचाता है, साथ ही फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कैंसर रोधी तुलसी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंटी कार्सिनोजेनिक गुणों की वजह से तुलसी की पत्तियां महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओरल कैंसर को भी आपके पास आने नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुलसी के कंपोनेंट ट्यूमर तक ब्लड के बहाव को पहुंचने नहीं देते। इसीलिए कैंसर से बचने के लिए डेली तुलसी के 5 पत्तों का यूज जरूर करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का यूज करके आपकी स्मोकिंग करने की आदत भी छूट सकती है। दोस्तों, फिर तीसरा पॉइंट है गाजर। बीटा कैरोटीन एक ऐसा भाग है जो ओरल कैंसर से बचने के लिए जरूरी है, और गाजर में बीटा कैरोटीन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे कैंसर विरोधी माना जाता है। इसके अलावा गाजर एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। इसमें मुंह के कैंसर और कई दूसरी बीमारियों के इलाज की शक्ति होती है। रोजाना एक गिलास गाजर का जूस पीने से मुंह के कैंसर से बचने में मदद मिलती है, और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए 6 से 8 महीने तक गाजर का जूस पीना चाहिए। फिर इसके बाद चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है करेले का जूस। ये कड़वा है लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। दोस्तों, करेले का जूस फार्मास्यूटिकल गुणों से भरपूर होता है, और डेली इसके यूज से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। करेले में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट अल्फा एलिस्टेरिक एसिड और डाइहाइड्रोक्सी अल्फा एलोस्टेरिक एसिड कैंसर की कोशिकाओं को मारने में हेल्प करती है। अगर आप रोजाना एक छोटा गिलास करेले का जूस का यूज 6 से 7 महीनों तक करते हैं तो मुंह के कैंसर से आप बहुत ज्यादा दूर रह सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है अंगूर के बीज। अंगूर में मौजूद अंगूर के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो ओरल कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। ये पदार्थ फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जो मुंह में मौजूद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अंगूर के बीज विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, या इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाकर और बॉडी को सही ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, जिससे बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।